नमस्कार दोस्तों, जय गोमिरस में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार गुप्ता इस समय आया हूँ दलसिंहपाड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र के नया लाइन में। और जैसा कि सूचना मिला है, ये एक परिवार का घर है। काफ़ी लाचार स्थिति में घर का दृश्य देखा जा रहा है दोस्तों, काफ़ी लाचार स्थिति है, बुरा कंडीशन में है। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों, केवल घर ही नहीं, घर में रहने वाले एक सदस्य का भी बीमारी होने के कारण बिस्तर पे लेटी हुई है। चलते हैं, आप सभी को दृश्य दिखाएंगे और जानकारी लेंगे कि किस तरह का परिस्थिति है इस घर में और कौन बीमार है। ये सारा हम आप सभी के समक्ष में विजुअल साझा करेंगे और साथ साथ में दिखाएंगे दोस्तों कि एक बेटी है जो कि मदद के लिए उनको मदद ज़रूरत है और हम लोग इसी अपील के लिए आज यहाँ पे आए हैं। इस परिवार को मदद चाहिए, इस परिवार के बेटी को मदद चाहिए ताकि उसका चिकित्सा हो सके, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके। चलते हैं, कब से क्या परिस्थिति है, कब से इस तरह का परिस्थिति घर में हुआ है, बीमारी हुआ है, क्या है, इसका जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इसी परिवार के जो मेन गार्जियन है उनसे बात करते हैं। नमस्कार दादा, आपका नाम क्या है? प्रीतम लोहार। अच्छा प्रीतम जी, ये बताइए कि आपका घर में कौन बीमार है, कब से बीमार है, थोड़ा जानकारी दीजिए। ये चार महीने हो गया है। चार महीना से बीमार है, क्या हुआ है? पता नहीं क्या बीमार है, लेकिन ये बिरपड़ा ले गए, लोथाबाड़ी ले गए और हंसी मारा ले गए, और उसका बाद में ट्रीटमेंट तो हुआ है लेकिन बीमार ठीक नहीं हो रहा है। और कहीं से कोई मदद मिल रहा है अभी तक चिकित्सा करने के लिए? नहीं, तो इसके लिए कर रहा है लड़का लोग सब लोग हंस से, लेकिन नहीं मिला है। लेकिन अब शाम को टाइम से कैसा होगा कि कॉल किया होगा। आप क्या काम करता है? मैं ठेला चलाता हूँ। अच्छा, रोने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके पास मदद पहुंचाने के लिए ही आए हैं। हम लोग आज आपसे इसीलिए बात कर रहे हैं ताकि हमारे जो दर्शक है, जो यहाँ के स्थानीय निवासी है, बाकी लोग जो देखेंगे, तो आपका मदद के लिए आपका दुख को साझा कर रहे हैं ताकि लोग आपको मदद करें। हम लोग आपको मदद करने के लिए ही आए हैं। तो ये बताइए कि आप मतलब सरकारी तौर पर कुछ आपको सहूलियत मिलता है? ना, नहीं। काम 100 दिन का काम वो तो मिला हुआ है, हो जाता है। 100 दिन का लेबर का काम करते हैं। और स्वास्थ्य साथी कार्ड बना है आपका, एक ये जो हेल्थ कार्ड जो बोला जाता है? वो तो पुराना है सर, नहीं है वो, नया नहीं है। नहीं है तो आप हेल्थ कार्ड से आपको मदद नहीं मिल रहा है? तो क्या करो सर, मैं कुछ कर ले सक। अच्छा दोस्तों, जैसा कि जानकारी मिल रहा है, 100 दिन का रोजगार का भी कार्य ये परिवार करता है, स्वास्थ्य साथी कार्ड भी है, लेकिन आज ये परिवार उस कार्ड का लाभ नहीं उठा पा रहा है जो कि स्वयं प्रीतम जी बता रहे हैं। तो मैं सवाल उठाना चाहूँगा प्रशासन के पास, हमारे जो पश्चिम बंगाल सरकार के पास, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस जैसे परिवार है जिनके पास 100 दिन का लेबर कार्ड है, जिनके पास हेल्थ कार्ड है, स्वास्थ्य साथी कार्ड है, लेकिन घर में सदस्य बीमार होने के बावजूद भी चिकित्सा नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रशासन को इस तरह के परिवारों को देखने की ज़रूरत है। और जो फैसिलिटीज़ है, जो सरकार कहती है कि फैसिलिटीज़ दे रही है, वो इस जैसे परिवारों के पास पहुंच सके, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। और साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, दोस्तों कि प्रशासनिक अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, BDO साहब, DM साहब और तमाम बड़े बड़े अधिकारी लोग दौरा करते हैं। कुछ दिन पहले भी देखा गया था, जगह जगह दौरा कर रहे थे, कार्य निरीक्षण कर रहे थे, बहुत जगह फील्ड विजिट हो रहा था, लेकिन इस तरह के परिवारों के घर का भी जायज़ा लिया जाए, जिसका घर का अवस्था आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि घर का अंदर का अवस्था क्या है। छत पे
प्लास्टिक लगा हुआ है, छत ढंग का नहीं है, इस तरह के परिवारों को घर का निरीक्षण किया जाए। इन जैसे परिवारों को जो सहूलियत मिलना चाहिए, जो सरकारी लाभ मिलना चाहिए वो मिले, और इस तरह के परिवारों के साथ हमेशा जयगो मिरर्स टीम तत्पर खड़ी है, इनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए आवाज़ उठाती रहेगी। और हम लोग चल के अंदर भी देखते हैं। आप थोड़ा बताइए, बेटी का क्या नाम है? गीता लोहार। गीता लोहार, कितना उम्र होगा उनका? उनकी 21 उम्र, 21 साल है। जी। पढ़ाई लिखाई करती थी? ना, करता था लेकिन एक जन बोलेगा। हाँ, पढ़ाई लिखाई करती थी? बीच में करता था, उसके बाद में छोड़ दिए वो। कितना मतलब कितना तक पढ़ाई किया? एक क्लास तक किया लेकिन वो भूल किया गया सर। मतलब उसके बाद पढ़ाई भी पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाया। और मतलब अभी बीमार है, बीमार का कोई डॉक्टर कुछ बताया कि क्या हुआ है कैसे? डॉक्टर तो कुछ नहीं बताया, लेकिन हम खाली सेलन उलन दिया था और बाकी बात तो टीबी है बोले हैं सर, और उनकी बात चलने नहीं सक रहा है, पैर फूल गए, पैर फूलने के बाद हाथ पैर सब सूख गए और उनको बोलने आवाज़ नहीं आते हैं, बोल नहीं पा रहा है, ठीक से बोल नहीं पा रहा है। जी, कमजोरी हो गया है। जी, तो अभी भी बात नहीं कर पाएंगे? थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। अच्छा, दोस्तों हम लोग तकलीफ़ नहीं देना चाहेंगे जो बेटी है गीता जी को, क्योंकि क्योंकि क्या बच्चे? आपका दो बच्चा है? ना, उनका उनका शादीशुदा है? जी। अच्छा, आपकी बेटी शादीशुदा है? जी। अच्छा, उनका मतलब जो परिवार है वो कहाँ रहता है? वो ससुर आया है अभी, आया है वो। अच्छा अच्छा, और बेटी आप ही के पास रहती है? जी, हमारे अच्छा, पास रहती है। अच्छा, उनका बच्चा भी है? है। वो लोग पढ़ाई लिखाई करता है? अभी पढ़ा लिखा तो नहीं है सर। अच्छा अच्छा, तो अभी कुछ इनका मतलब कि उनका टेम नहीं हुआ है, 5 बसर बात होने के बाद में वो एडमिशन लेंगे बोल रहे हैं। तो ये बच्चा लोग का देख रेख कौन करता है? उनका पापा है? पापा है। अच्छा, लेकिन बीमार होने के कारण यहीं पे रह रहा है? जी, यहीं पे। आप ही देखभाल कर रहे हैं? तो दोस्तों आप देख सकते हैं दिक्कत का क्या है, परेशानी कितना है, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता दोस्तों। शायद मैं जितना भी कहूँ वो कम है। एक पिता होने के नाते वो जो कार्य कर रहे हैं, जितना हो सकता है संभव वो अपने तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत ये है दोस्तों कि इस तरह के जो पिता हैं, इस तरह के जो परिवार है, इस तरह के जो व्यक्ति हैं, उनको मदद पहुंचाया जाए। और मदद पहुंचाने के लिए जो सक्षम वर्ग है वो आगे आए, ये अपील करते हैं जयगो मिरर्स टीम के तरफ से। और हम लोग साथ साथ में ये भी बता दें कि काफ़ी सारे समाजसेवी संस्थाएं हैं, काफ़ी सारे एनजीओज हैं, काफ़ी सारे समाजसेवी लोग हैं, गण हैं, व्यक्ति हैं और नेतागण भी है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आगे आएँ, इस तरह के परिवारों के लिए आगे आएँ। और इनकी जो बेटी है, 21 वर्षीय बेटी है, उनके स्वयं दो बच्चे हैं, अगर वो अगर बिस्तर पे है तो उनके बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में भी प्रशासन को और सभी को सोचने की ज़रूरत है। मैं आशा करता हूं कि जो विजुअल्स मैं यहां पे साझा कर रहा हूं दोस्तों, घर का अवस्था मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। घर है, वॉल टूटा फूटा आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि वॉल क्रैक हो चुका है, किसी जगह पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि दरवाज़ा नहीं है, ऊपर का छत है एस्बेस्टस का जो सीट होता है दोस्तों, आज का दिन में शायद किसी घर में शायद ही आपको देखने को मिले कि एस्बेस्टस सीट का जो ऊपर का छत है, एस्बेस्टस सीट का जो छत है जो ऊपर में लगाया हुआ है वो शायद ही देखने को मिले, लेकिन आज भी इस घर पे देखने को मिल रहा है। और उसका भी स्थिति इतना ख़राब है दोस्तों कि जगह जगह प्लास्टिक लगाना पड़ रहा है। सरकार के तरफ से क्या यही एक फैसिलिटी है कि जो इस तरह का असक्षम वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, उसको केवल एक प्लास्टिक दे दिया जाए कि ऊपर से आप प्लास्टिक लगा लो? और उस परिवार को किस तरह से गुजारा होता होगा, आपको मैं किचन का भी दृश्य दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि किचन का अवस्था क्या है, बच्चे किस तरह से खान पान कर रहे हैं और किस तरह का घर का अवस्था है दोस्तों। मैं
चाहते हुए भी मेरे पास शब्द नहीं आ रहा है, मुझे साहस नहीं हो रहा है कि मैं इसको अपने आप में बयां कर सकूं, लेकिन दृश्य आप सभी के समक्ष ज़रूर साझा करना चाहूँगा दोस्तों। और साथ साथ में ये भी मैं अपील करना चाहूँगा, मैं अंदर आपको ये भी दृश्य दिखाऊँगा, जो बेटी है, जो हमारी बहन है, जो कि बिस्तर पर पड़ी हुई है, उनको मदद की ज़रूरत है, उनके लिए हम लोग अपील करना चाहेंगे। आप सभी हमारे दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, समम तमाम वर्ग से, सक्षम वर्ग से अपील करना चाहेंगे, साथ में प्रशासन से भी अपील करना चाहेंगे कि इनको हर संभव सहायता प्रदान किया जाए, हर संभव मदद पहुंचाया जाए, और साथ साथ में प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आप दौरा करते हैं तो इस तरह के परिवारों के घर पे भी दौरा करें, और जो सरकारी सहायता है, सरकारी सहूलियत है जो इन परिवारों को मिलना चाहिए, वो इनके पास पहुँचे। अगर इन जैसे परिवारों के पास अगर सरकारी सहायता और सरकारी सहूलियत नहीं पहुँचती है, तो विजय कुमार गुप्ता इसी तरह से अपने कैमरा माइक लेके उस परिवारों के घर पे पहुँचेगा, सच्चाई का आईना आप सभी को दिखाएगा, और हर संभव अपने प्रयासों से इनको मदद पहुंचाने की कोशिश करेगा, चाहे प्रशासन आंख बंद करके बैठी रहे, लेकिन जयगांव मिरर्स आंख बंद करके बैठेगी नहीं, विजय कुमार गुप्ता आंख बंद करके बैठेगा नहीं, हमारे यहां के युवा पीढ़ी के साथ मिलकर इस परिवार को सहायता पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश करेगी। मुझे पूरा भरोसा है प्रशासन के ऊपर, हमारे पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर, कि प्रीतम जी को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, उनको मदद पहुंचेगी, इनकी जो अधिकार है, सहूलियत जो सरकार से मिलनी चाहिए वो मिलेगी। और इसी के साथ मैं और भी कुछ लोगों से बात करूंगा, यहां के युवा पीढ़ी आए हुए हैं कुछ मदद पहुंचाने के लिए, उनसे भी बात करूंगा, और क्या मदद वो लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और दोस्तों मैं एक और दृश्य दिखाना चाहूँगा दोस्तों, कि किस तरह से ये परिवार शौचालय का प्रयोग करता है, बाथरूम का प्रयोग करता है, ओपन में इस तरह से व्यवस्था किया है, शायद यहाँ पे नहाने का और बाकी कार्य किया जाता होगा। और दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे किस तरह से इसी जगह पे बाथरूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस परिवार द्वारा। मैं प्रशासन से सवाल ये भी करना चाहूँगा कि सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाया जा रहा है, निर्मल बंगला के तहत बंगाल में शौचालय घर घर में बनाया जाता है, लेकिन इस तरह के परिवारों को क्यों शौचालय मुहैया नहीं कराया जा रहा है, ये सवाल मैं रखना चाहूँगा प्रशासन के पास, सरकार के पास। मैं कड़े शब्दों में कहना चाहूँगा कि बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो है, नेतागण जो है, इस तरह के परिवारों का घर का दौरा करें, और इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, घर जो मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना बोले या बंगला आवास योजना बोले, उसके तहत में इस तरह के परिवारों को घर मिले, शौचालय मिले, हेल्थ कार्ड, जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है उसके द्वारा चिकित्सा का जो सुविधा है वो मिले, और जो भी इनका अधिकार है वो मिले, इसके लिए मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों। और दोस्तों इस परिवार को मदद पहुँचाने के लिए दलसिंहपाड़ा इस क्षेत्र के कुछ युवा वर्ग आगे आए हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सोनम लामा हो, म दलसिंहपाड़ा नयाँ ल्यान्डको हाम्रो सामाजिक अभियानको म प्रेसिडेन्ट हो, हाम्रो संस्था छ र हाम्रो अझै एउटा दलसिंहपाड़ा सहयोग फाउन्डेसन पनि छ, दुईवटा एनजिओ छ हाम्रो नयाँ ल्यान्डमा, त्यो एनजिओको थ्रुबाट हामी भरे कलेक्सन गरेर कति हुन्छ घरको फ्यामिलीको हातमा पनि दिने भनेर हामीले सोचिरहेको छ। अरूको लागि पनि के अपिल गर्नु चाहन्छ तपाईँहरू? अब अरूको लागि अब जस्तो हामीले हेल्प गर्दैछ त्यस्तै अरूहरूको लागि नै हामी हेल्प गर्नु चाहन्छ, यस्तै अब पुरै सिरियस कन्डिसन छ भनेदेखिको र जति पनि एनजिओ छ सबैले हेल्प गरिदिनु होला यस्तो परिवारहरूलाई भनेर म आशा गर्छु। तो दोस्तों आप देख सकते हैं युवा पीढ़ी है जो दुख दर्द इस परिवार की समझ रही है, और ज़रूरत ये भी है दोस्तों कि आप जो दर्शक हैं, आप जो व्यूअर्स हैं, इस परिवार के बारे में कुछ उनके दुख दर्द को समझे और उनके दुख दर्द में साथ आए और उनको कुछ मदद पहुंचाएं दोस्तों। और साथ साथ में जाते जाते एक बार फिर से मैं अपील करना चाहूँगा पश्चिम बंगाल सरकार से और हमारे यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ के नेतागण हैं, सभी से कि इस परिवार का जो अधिकार है
उनको न्याय मिले, उनको मदद पहुंचे, सरकारी जो सहूलियत है वो पहुंचे। आशा यही करता हूं दोस्तों कि ये जो अपील जैगो मिरर्स के तरफ से आप सभी के समक्ष रख रहा हूं, आपके पास जब पहुंचेगी तो आप लोग आगे आएंगे खुले हाथों के साथ। आप लोग इस परिवार को, जो सक्षम वर्ग है वो आके इस परिवार को मदद पहुंचाएगी। इसी तरह से जैगो मिरर्स टीम आप सभी के सुख दुख में हमेशा तत्परीय आपके साथ आती रहेगी। भले सुख के समय में शायद मैं आपके पास ना पहुंच पाऊं, लेकिन अगर कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी दुख की घड़ी हो तो विजय कुमार गुप्ता आपके समक्ष आएगा। जैगो मिरर्स टीम आपको मदद के लिए आएगी। और इसी अपील के साथ मैं आज अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला। New Kalimpong Stores deals in Buddhist religious items and general order suppliers. Wholesale and retailer, Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurduar, West Bengal. Contact +91 7557891233, +91 6206656078, +97577848281.